बच्चों आज हम आपको वाज वर्ब का प्रयोग सिखाएंगे। बच्चों वाज वर्ब का प्रयोग 6 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें से आज हम पहला तरीका बताएंगे जिसमें वर्ब नहीं लगती है, अर्थात एक्शन नहीं होता है, अर्थात भूतकाल की जो कोई स्थिति होती है या अवस्था होती है उसके बारे में बताया जाता है। बच्चों वाज का मतलब होता है हिंदी में था या थी, और वर का मतलब होता है थे। अब हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ बच्चों वाज लगता है। उसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे मैं एक राजा था, आई वाज ए किंग, वह बीमार था, ही वाज इल, वह एक रसोईया थी, सी वाज ए कुक, यह एक कुत्ता था, बच्चों जो जानवर होते हैं या अनजान चीजें होती है, निर्जीव चीजें होती है, इनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। यह एक कुत्ता था, तो इट वाज ए डॉग, इट वाज ए डॉग। We, you, they, plural noun, इनके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। हम विद्यार्थी थे, आराम से समझो बेटा, कोई समस्या है तो पूछिए। हम विद्यार्थी थे, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे पहले। वी वर स्टूडेंट्स, तुम एक अध्यापक थे, यू वर ए टीचर,
वे खिलाड़ी थे, वे खिलाड़ी थे, देवर प्लेयर्स, इस प्रकार बच्चों आपने ये वाज वर्ब का प्रयोग देखा जिसका हमने आपको अफर्मेटिव करके दिखाया और बोल के भी समझाया और लिख के भी दिखाया। तो आप पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद अगली वीडियो में आगे का देंगे।